दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसए एंड एबीसी। तो आज के वीडियो में दोस्तों कुछ खास चीज़ों पे बातें होंगी और अभी के टाइम पे दोस्तों इन सभी जितनी भी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ सब पे आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना है। चाहे वो कोई चूजे वाला हो जिसके पास अभी जस्ट चूजे आए हों या जिसके पास ब्रायलर तैयार हो चुका हो उनके ऊपर भी बातें होंगी। वीडियो काफ़ी खास होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो वीडियो बनाने में थोड़ा मज़ा आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को एक एक करके टॉपिक दर टॉपिक सारी चीज़ें समझाने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात दोस्तों कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारा मुर्गा जो है ये बड़ा हो चुका है, यानी 30 डेज कंप्लीट है इसका, और ऐसे में जब 30 दिन प्लस का मुर्गा हो जाता है दोस्तों तो कई सारी समस्याएं आती है। उसमें ना कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी गलती कर डालते हैं दोस्तों। आप लोगों को ना जो दवाएं, जिन दवाओं के बारे में, जिन दवाओं का जो तासीर होता है दोस्तों उसके बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ऐसी दवाएं कभी भी मत यूज करिए अपने फार्म में, ठीक है। किसी के कहने से, किसी के कुछ भी बोलने से कोई भी दवा चलाना नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक एग्जांपल के रूप में आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों, एक बंदा है और उनका चूजा आज 3 दिन का हुआ है। तीसरे दिन में, तीन क्या चौथा दिन चल रहा है, चौथे दिन में उनके यहाँ हल्की साउंड आ गई है थोड़ा थोड़ा, और चौथे ही दिन में दोस्तों उन्होंने क्या किया है कि बहुत ही, जैसे शुरू में उन्होंने किया ये कि जब साउंड आ गई तो उन्होंने एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक के साथ में कफ सिरप चलाया। ये उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई क्या चलाएं जिससे अभी जो साउंड है ये थोड़ी ख़त्म हो जाए। मैंने उनको बताया था कि आप कफ सिरप और एंटीबायोटिक चला सकते हो, या ये नहीं चलाना है तो लिबोसेट्रेजिन, और लिबोसेट्रेजिन के साथ में दोस्तों आप अस्थालीन चला दीजिए पैरासीटामोल के साथ तो भी सही हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि रात के समय पे तो मेरे द्वारा बताई गई दवाएं वो कंटिन्यू चलाते रहे, और दिन में दोस्तों उन्होंने मल्टीविटामिन दबा के लगाया बर्ड को। अब हुआ क्या कि जब मल्टीविटामिन उन्होंने दबा के लगाया तो जितना इधर दवाएं काम कर रही थी दिन में, रात में जो मेरी दवाएं चल रही थी दिन में उनकी अपनी खुद की दवाएं चल रही थी। तो हुआ ये कि सारी दवाएं फेल हो गई दोस्तों वहाँ पे, और उनके जो बर्ड में प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का हल नहीं निकल पाया। इसी तरीके से दोस्तों जब मुर्गा बड़ा हो जाता है तो उसमें अपोजिट दवाओं को कभी भी मत यूज करिए आप लोग। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे उन्होंने एनी टाइम मतलब मन बना रखा है कि कभी भी फीड डाल देना है, कभी भी खाने देना है। ये करना अनुचित है दोस्तों, उचित नहीं है, और ऐसा अगर आप लोग भी करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना आप लोगों को भी करना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों करना क्या होता है कि जब कभी भी ऐसी दशा बने आपका मुर्गा 30 दिन के ऊपर चल रहा हो तो आपको फीड जो देना होता है एक नपातुला फीड देना होता है, और निश्चित समय के लिए देना होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप दिन में फीड उठा के लगा दिए और दिन में मुर्गा फीडिंग कर रहा है, दिन में फीडिंग करेगा रात में फीडिंग करेगा, यानी आप तो 24 आवर्स उसको फीड खिला रहे हो। ऐसा जब फीड खिलाओगे तो आपका ही नुकसान होना है। क्यों नुकसान होना है दोस्तों? क्योंकि ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि जो दिन में फीडिंग करेगा और उसके साथ में मुर्गा हाफ पेंडिंग कर रहा है तो ऐसे में वो आपके मुर्गे के ग्रोथ में कुछ भी काम नहीं करने वाला है दोस्तों। वो दवा बिल्कुल बेकार जाएगी
और वो किसी काम की नहीं। वो फीड जो है आपकी बेकार चली जाएगी, दिन की फीड बेकार चली जाएगी। जब आपका मुर्गा रात में यानी शाम को फीड लगाना है, जब जब थोड़ी हल्की बहुत ठंडक होनी शुरू हो जाए, यानी मौसम जो है नॉर्मल आ जाए, और नॉर्मल मौसम में दोस्तों आप पर्दे का ख्याल करके, यानी कि पर्दा जो है अगर गर्मी है तो पर्दे को बंद नहीं करके आराम से पहले क्या करिए कि पहले ठंडा पानी दीजिए। पानी के साथ में दोस्तों आप लोग उसमें इलेक्ट्रॉल पाउडर या जो भी आपको देना है, लेकिन इलेक्ट्रॉल पाउडर दीजिए, दिन के समय पे भी दीजिए और रात में भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इलेक्ट्रॉल पाउडर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके बाद में फिर आप फीड दीजिए, आपका जो चूजा है दबा के फीडिंग करेगा और अच्छा खासा ग्रोथ भी लेगा, है ना। इसके बाद दोस्तों कुछ जगह पे हमने देखा है दोस्तों कि जो मतलब दिन के समय पे वो क्या करते हैं कि मुर्गे को ना कुछ भी नहीं देते हैं और रात में इतनी भयानक दवाएं देना शुरू कर देते हैं ग्रोथ के लिए उसी में। तो ग्रोथ की दवा कभी भी दिन में कोई भी दवा नहीं चलाइए, क्योंकि जितनी भी ग्रोथ की दवाएं दोगे, और ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जो जिप्रोमिन होती है, जिप्रोमिन दवा कभी भी अगर देना भी है तो रात के समय पे दीजिए, लेकिन दिन के समय पे बिल्कुल जिप्रोमिन मत इस्तेमाल करिए अपने बर्ड में, नहीं तो नुकसान होना निश्चित है दोस्तों। और वैसे भी अगर आपका बर्ड सब कुछ सही चल रहा है, मीन एज के हिसाब से सही चल रहा है, ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है, तो आपको कभी भी ग्रोथ के लिए ये सारी दवाएँ चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप वाटर इंटेक पर ध्यान रखिए, आप अपने बर्ड के फीड इंटेक पे ध्यान रखिए, साथ में अपने बर्ड को बर्ड का मैनेजमेंट ठीक रखिए, तो किसी भी प्रकार का ग्रोथ प्रमोटर देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपका बर्ड जो है वैसे ही अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। अभी जो मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, अभी के टाइम पे कुछ फार्मों में ऐसी समस्याएँ हो रही हैं जिसको लेके किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उन समस्याओं में पहली समस्या ये है दोस्तों कि जब दिन में आप क्या करते हैं, आपका चूजा होता है छोटा, जब छोटे चूजे को कभी भी एक साथ में बहुत सारा फीड नहीं भरना है, क्योंकि दोस्तों एक साथ में आप जब बहुत ज़्यादा फीड, जैसे मान लीजिए कि आपका मुर्गा जो है, अगर चूजा जो है अगर 3 बैग फीड खा रहा है, तो 3 बैग फीड को एक साथ में नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का, मतलब मान के चलिए उसको 3 भाग में डिवाइड करके और 3 भाग में फीड दीजिए। इस तरह से अगर फीड दोगे ना तो आपका जो चूजा है वो अच्छा खासा फीडिंग करेगा, और जब आप एक साथ में फीड भर दोगे दोस्तों तो आप खुद ही देखना, चेक कर लीजिएगा उस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ, कि आप जब फीड को हाथ में लेके ना ऐसे मसलोगे, उसको रगड़ोगे, तो फिर ना चुर चुर करके एक आवाज़ आएगी और पूरी की पूरी फीड टूटेगी। जब ऐसा होता है तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जब वो हाथ में लेने पे इतना ज़्यादा उसमें डार्कपन है, यानी सूख चुकी है फीड, तो अगर उस फीड को जब चूजा आपका खाता होगा तो उसको कैसे कितनी समस्याओं का सामना करना होता है। इसीलिए दोस्तों होता क्या है कि चूजे फीडिंग कम करते हैं और वो एक साइड में जाके बैठे रहते हैं, फीडिंग कम करते हैं। ऐसे में अगर आपके यहाँ मान लीजिए कि फीड ज़्यादा हो गई है, किसी दिन किसी बंदे ने फीड ज़्यादा डाल दी है, तो उस फीड में क्या करिए कि दही हो गया, या लीवर टॉनिक में कोई भी लीवर टॉनिक अगर आपके पास है वो ले लीजिए, उसको ना स्प्रे वाली मशीन में अच्छे से घोल लीजिए पानी में, और घोलने के बाद में क्या करिए कि हल्का हल्का फीड के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है, आप देखोगे कि चूजे इतना उस डिब्बे में जिसमें आपने इस तरह का प्रोसेस किया है, भाई गारंटी के साथ बोलता हूँ, इतना ज़बरदस्त फीडिंग करेंगे कि क्या बताएं। उससे होगा क्या कि आपका फीड जो है थोड़ा नम हो जाएगा, और गर्मी के मौसम में जब फीड बहुत ज़्यादा करकरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूख जाती है, तो उस टाइम पे जो चूजे होते हैं अपने फीडिंग कम करते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से कर देते हो ना, बहुत अच्छे से फीडिंग करते हैं, पहली चीज़ तो कभी भी आपको फीड एक साथ में देना ही नहीं है,
अगर गलती से बंदे ने दे दिया है तो उसको इस तरह से उपाय करके दोस्तों आप खिलाइए। और जितना ज़्यादा दोस्तों पहले सप्ताह में अगर आपके चूजे का वज़न जो है वो 200 ग्राम से प्लस निकल गया, भाई फिर सोच लीजिए कि उस मुर्गे का वज़न जो लास्ट टाइम तक बहुत ही अच्छा आएगा। तो ऐसा करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।